हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही लहसुनी कबाब। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमने लेना है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, प्रेफरेबली थाई पीस ले लेना आप, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, आधा टीस्पून चिकन पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर डाल देंगे इसमें, 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, तीखी वाली मिर्चियाँ ली है मैंने पेस्ट बनाने में, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा इसमें। इसमें हम 1 टीस्पून बटर ऐड कर लेंगे। इसमें हम आधा कप दही डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों की मदद से। इसको हमें मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद हम इसको बिना तेल के पैन में 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। इसका मैरिनेशन भी इसके साथ डाल देंगे हम इसमें। इसको हम अलट पलट करते हुए दोनों तरफ इसको अच्छी तरह से पका लेंगे चिकन को। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हमें इसमें कोयले का धुआं दे देना है। कोयले को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद 5-10 मिनट तक हमने इसमें इसको डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालकर इसको ढक लेके हम 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा टाइम तक हमने इसको धुआं नहीं देना है। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसको खोल दिया है, कोयले को बाहर निकाल देंगे हम। चिकन को हम अलग कर देंगे और इसके जो जूसेस रह गए पैन में इसको भी हम एक बोल में डालकर रख देंगे, ताकि हम इसको अपने सॉस में यूज़ कर सके। इसके जूसेस को हम एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम हमारे सॉस बनाने में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में 1 टीस्पून तेल डाल दिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन को ऐड कर लिया है इसमें। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको चलाते रहेंगे। बस हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। लहसुन हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अभी हम इसमें हमारे लेफ्ट ओवर जूसेस डाल देंगे चिकन के, जो रह गए थे पैन में। इसको हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे हमारे सॉस में। सॉस हमारा अच्छी तरह से उबलने लग चुका है। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अगर बहुत ही गाढ़ा हो गया आपका सॉस, थोड़ा सा पानी डाल सकते हो आप, मतलब 1/4 कप पानी डाल सकते हो आप इसमें। इसमें 1 चीज़ स्लाइस डाल देंगे हम और इसको अच्छी तरह से पिघलने देंगे हम हमारे सॉस में। अगर आपको सॉस एकदम गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। इसमें हमने जो जूसेस डाल दिए चिकन के, इससे इसका टेस्ट और भी एनहांस हो चुका है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फ्लेम को बंद करके इस पे
हम कटी हुई धनिया को डाल देंगे और मिला लेंगे हम इसको अच्छी तरह से। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। चिकन को हमें एक प्लेट में डालकर इसको असेंबल कर लेना है। इसको सर्व करने का यही तरीका है, पहले चिकन को हम प्लेट में डाल देंगे और इसके ऊपर से हम हमारे सॉसेस को डाल देंगे। अभी हम इसके ऊपर हमारे सॉस को डाल देंगे। तो गार्निश करने के लिए हम थोड़े से कटे हुए धनिया को ऊपर से डाल देंगे और ये रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।